स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव बेस पे होने वाले होंगे तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से, तो भी आपको यूजफुल होंगे, और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज, ये तो हम जानते हैं, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इन विच कैरेक्टर ब्रायोफाइटा डिफर्स फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट्स एल्गी से किस तरह से डिफर करते हैं, किस तरह से अलग है ब्रायोफाइट्स एल्गी से। तो ये ऑप्शन दी हुई है, सेक्स ऑर्गन्स विद मल्टी सेलुलर स्टराइल जैकेट, तो यही राइट आंसर है, क्योंकि यूनिसेलुलर गैमेट, मोटाइल एंट्रोजॉइड और प्रेजेंस ऑफ राइजॉइड्स, ये सब एल्गी में भी प्रेजेंट है, लेकिन सेक्स ऑर्गन विद मल्टी सेलुलर स्टराइल जैकेट ये सिर्फ ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब और देखते हैं आगे। मैन प्लांट इन गैमेटोफाइट, मैन प्लांट क्या है गैमेटोफाइट, मैन प्लांट गैमेटोफाइट इनमें से किस में है, ब्रायोफाइट्स में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स इनमें से कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट है, पॉलीट्राइकल्स, एंथोसेरोटेल्स, मर्केंसील्स। मर्केंसील्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। द फेमस ब्रायोलॉजिस्ट, इनमें से फेमस ब्रायोलॉजिस्ट कौन है, तो एस आर कश्यप है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, वास्कुलर होते हैं, नहीं होते, जिम्नोस्पर्म नहीं होते, नॉन वास्कुलर थैलोफाइट्स नहीं होते हैं, नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ब्रायोफाइट्स टेक प्लेस, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है ब्रायोफाइट्स में, कहाँ पर होता है, आर्किगोनियम में। स्पोरेनियम में नहीं होता, स्पोरेनियम में स्पोर्स बनते हैं, एंथेरियम में एंथेरियोजॉइट्स बनते हैं, आर्किगोनियम में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड पीट और बॉग मॉस, इनमें से पीट मॉस किसको बोलते हैं, स्फैग्नम। एलेटर्स आर फाउंड इन, एलेटर्स ये हम जानते हैं एल्गी फंजाई ट्राइडोफाइट्स में नहीं मिलते, ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स आर फाउंड, दो डिफरेंट ग्रुप्स के करेक्टर्स कौन से ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट ओनली, इनमें से सिर्फ ब्रायोफाइट्स कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो रिक्शिया, एंथोसिरोस, राइनिया, राइनिया टेरिडोफाइट है, इसमें रिक्शिया एंथोसिरोस, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम रिक्शिया, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला ट्राइको टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम रिक्शिया मर्केंसिया, ये सारे ब्रायोफाइट्स हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक्स सीड्स एंड वास्कुलर टिश्यूज, इनमें से कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है और एम्ब्रियो, लेकिन सीड नहीं होते उसमें और वास्कुलर टिश्यू, तो ये हम जानते हैं ब्रायोफाइट्स। हाउ मेनी रोज ऑफ सेल्स आर फाउंड इन नेक ऑफ आर्किगोनियम और ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की आर्किगोनियम की नेक में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोलॉजी। मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट कौन सा है इकोनॉमिकली, स्फैग्नम, जिससे पीट बनता था। अगर आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स, स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स रिक्वायर अ डैम्प हैबिटाट, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको जो डैम्प हैबिटाट है वो क्यों चाहिए होती है, मतलब ऐसी जगह क्यों चाहिए जो नम होती है, क्योंकि जो फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड होते हैं, जो मेल गैमेट होता है, वो स्विम करके एग के पास पहुंचता है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइटा, क्या क्या होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अलग, तो फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड दोनों में मिलते हैं, आर्किगोनियम दोनों में मिलेगा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट दोनों में मिलेगा, लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, दे आर फोटोसिंथेटिक,
ये सही है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे लैक ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये भी सही है, उनमें नहीं होते ट्रैकिड्स और वेसल्स। देयर स्पोर्स गिव राइज टू गैमेटोफाइट आफ्टर जनरेशन, हाँ ये भी सही है, स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। देयर जाइगोट अंडरगोज म्यूसिस एंड देन प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट, इनके जो जाइगोट होते हैं वो म्यूसिस करते हैं, उनमें म्यूसिस की प्रोसेस होती है, फिर वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसमें इनकरेक्ट है। द टर्म ब्रायोफाइटा इज गिवन बाय, किसने दिया था, ब्राउन ने। ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच टाइप ऑफ सक्सेशन, जीरो शियर। सक्सेशन का मतलब होता है अगर किसी वेयर लैंड पे अगर प्लांट उगना स्टार्ट होते हैं तो कहाँ से होते हैं स्टार्ट, ब्रायोफाइट में। द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्विटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट, ये जो पॉजिटिव एविडेंस है एक्विटिक एंसेस्ट्री का ब्रायोफाइट्स में, तो उस वो कहाँ से पता चला, तो उसका जो एविडेंस है वो है सिलिएटेड एंथेरोजॉइड, जो एंथेरोजॉइड है वो मूव कर सकता है, इसी वजह से एक्वाटिक है, ये एक्वाटिक एंसेस्ट्री पता चली इनकी। ब्रायोफाइट्स जनरली ग्रो ऑन सॉइल एंड प्रिवेंट, ब्रायोफाइट्स सॉइल पे ग्रो करते हैं और क्या प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट अकर्स इन ब्रायोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है इसमें। मल्टी सेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स में, आर्किगोनिया। यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट दे हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, क्योंकि इनका स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, ये इनका यूनिक फीचर है। और ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो टेरोफाइट में भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, रूट लैक एल्गी में रूट्स नहीं होती हैं और मस्कुलर टिश्यू एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूनिक फीचर सिर्फ यही है कि गैमेटोफाइट अटैच रहता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स आर, फर्स्ट लैंड पे आने वाले प्लांट कौन से हैं, ब्रायोफाइट। एसआर कश्यप इज फेमस इंडियन, एसआर कश्यप क्या है, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। जैमी आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, किसके हैं, लिवरवर्ट्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जैमी से, लिवरवर्ट्स में। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मॉस गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड, जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट है मॉस गैमेटोफाइट में गैमेट फ्यूजन के बिना, उसको क्या बोलते हैं, एपोगैमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट, सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट कौन सा है इनमें, बॉक्सबोमिया एफाइला। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड बॉडीज पे फीड करता है, मरे हुए पे। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इज फाउंड इन फ्यूनेरिया में, सबसे बड़ा गैमेटोफाइट मिलता है। द मॉसेस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन द सॉइल प्रिवेंट अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज की रूट्स उखड़ जाती हैं वो प्रिवेंट करते हैं ये। मॉस प्रोटोनिमा रिजेंबल्स, मॉस की जो प्रोटोनिमा होती है वो किससे मैच करती है, ए मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गा से। फंक्शन ऑफ एलेटर्स एंड स्यूडोलेटर्स, स्यूडोलेटर और एलेटर का फंक्शन क्या है, स्पोर डिस्पर्सन। स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेनियम इज अ फीचर ऑफ, जो गैमेटेनियम होती है उसके अराउंड जो स्टेराइल जैकेट होती है वो किसका फीचर है, हमने किस में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स में, एल्गी फंजाई लाइकेंस में नहीं होता ये। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, इनमें से ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, स्पर्म मोटाइल होता है, वाटर एसेंशियल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं प्रेजेंट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचिंग इज डाइकोटमस, डाइकोटमस ब्रांचिंग किसमें होती है, लिवरवर्ट्स में। द लोअर ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज, लोअर ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, लिवरवर्ट्स। फर्न किसमें होते हैं, फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में, और मॉसेज होती हैं हायर ब्रायोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है गैमेटोफिटिक जनरेशन का, कॉलमेला। तो ये हमारे ब्रायोफाइट्स के जनरल करेक्टर और क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब आप ये क्वेश्चन कीजिए, तो आपको ये ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।